आइए बात करते हैं मॉडल 59 की, जो कि एक मीडिएशन का मॉडल है और इसके तीनों ही एरोज, तीनों रिलेशनशिप मॉडरेट हो रहे हैं W से। अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि क्या ये W कैटेगोरिकल वेरिएबल हो सकता है? तो देखिए, इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो इसका ये है कि आप स्प्लिट फाइल कर दें और फिर मीडिएशन को रन करें, पर उससे प्रॉब्लम ये होती है कि आपका सैम्पल साइज बहुत छोटा हो जाता है। और दूसरा तरीका है कि हम प्रोसेस मैक्रो को यूज़ करें मॉडल 59 और इसके अंदर हम काम करके देखें। तो आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। और मेरे पास एक फाइल है सेल्स परफॉर्मेंस, जो मैंने पहले भी प्रोसेस मैक्रो की अलग अलग वीडियोस में यूज़ की है, इसी पे हम काम करके देखते हैं। तो काम ये फ्रेंड्स इस तरह का है कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इन जनरल हमने देखा एक सेल्स में, कंपनी में, कि नंबर ऑफ आवर्स ऑफ प्रिपरेशन, जितने टाइम एक सेल्स पर्सन जितना प्रिपरेशन करते हैं उससे आपके सेल्स पे इफेक्ट पड़ता है। तो पहला तो ये देखा, तो इसको हम साथ साथ इनको करते हुए चलते हैं। तो मैं रिग्रेशन यहाँ रन करता हूँ, सेल्स डिपेंड्स ऑफ नंबर ऑफ आवर्स, इनका कोई रिलेशन है या नहीं। तो अनोवा ओके है, कॉन्स्टेंट भी ठीक है, आवर्स भी ठीक है, 42% है, गुड। तो नंबर ऑफ आवर्स का इफेक्ट पड़ता है सेल्स के ऊपर। अब मुझे ये चेक करना है कि क्या कॉन्फिडेंस का इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, कॉन्फिडेंस ऑफ द पर्सन का क्या इन पे। तो अब इसके लिए मैंने डिवाइड कर दिया, मेरा जो कॉन्फिडेंस की वैल्यूज थी यहाँ पे वो तीन ग्रुप बना दिए, 1, 2, 3, ये तीन ग्रुप मैंने इसमें बना दिए हैं, लो, मीडियम, हाई, ऐसे बोल सकते हैं। तो अब ये केस बन गया प्रोसेस मैक्रो का, स्टार्टिंग विद द मॉडल नंबर 1। तो रिग्रेशन इसके अंदर प्रोसेस 3.5 मैं यूज कर रहा हूँ अभी, और यहाँ हम करते हैं नंबर ऑफ आवर्स डिपेंड्स ऑन सेल्स, सेल्स डिपेंड्स ऑन आवर्स मॉडरेटेड बाय कॉन्फिडेंट, और मॉडल नंबर है ये 1। और इसके अंदर हम आउटपुट को 2 डेसिमल प्लेस तक देख लेंगे। सो आउटपुट इसमें 2 डेसिमल प्लेस तक, एक्चुअली मैं इसको रिसेट ही कर लेता हूँ पीछे के कुछ ना रहे। आवर्स का इफेक्ट पड़ता है सेल्स के ऊपर मॉडरेटेड बाय कॉन्फिडेंस W, और ऑप्शंस के अंदर 2 डेसिमल प्लेस तक, कंटिन्यू ओके। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, बेसिकली ये चेक करेगा, इंटरेक्शन इफेक्ट क्रिएट करेगा, और इंटरेक्शन इफेक्ट में आवर्स तो इंटरेक्शन इफेक्ट है, कोई भी यहाँ नहीं है। अब देखिए यहाँ एक प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये एक्चुअली फंडामेंटल प्रॉब्लम है SPSS की। SPSS को लगता है कि ये जो 3 है ना, ये इस 1 का 3 गुना है, और 2 जो है वो 1 का 2 गुना है, दैट्स इट, से रेशियो डाटा। पर हमें तो पता है ये रेशियो डाटा नहीं है, ये तो कैटेगरीज हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये मान के चल रहा है कि ये 1, 2, 3 रेशियो डाटा है, और इसने कहा इसका कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। वाकई चेक करें, यहाँ पे आके मैं करता हूँ मल्टी कैटेगरिकल, और कॉन्फिडेंस को जो कि मॉडरेटर है, मल्टी कैटेगरिकल यहाँ पे कर दिया मैंने, जस्ट इतना सा। अब सोचिए ये हो गया केस एक तरह का स्प्लिट फाइल का। अब ये इक्विवेलेंट टू स्प्लिट फाइल ही है, ये 3 अलग अलग रन करेगा और तीनों में अलग बताएगा मुझे। ये इसने डमी वेरिएबल क्रिएट किया, और अब इसने कहा कि डमी वेरिएबल में आप देखें इंटरेक्शन 1 इसका इफेक्ट नहीं है, 2 का इफेक्ट है, और क्या नीचे इसने कंडीशनल इफेक्ट दे दिए तीनों के। यहाँ देखिए जो कैटेगरी 1 है, जो लो कॉन्फिडेंस वाले पर्सन है, वहां पे इसका इफेक्ट है, हाई पे 0.05। तो अगर यहाँ कुछ भी कन्फ्यूजन हो, हमेशा वेटेज दिया करें लिमिट्स को, अगर लिमिट्स के बीच में नेगेटिव आता, 0 आता है, इसका मतलब लोअर लिमिट नेगेटिव है, अपर पॉजिटिव, तो ये इफेक्ट 0 ही है। और यहाँ देखिए तो बिल्कुल कन्फर्म ही है, इसका मतलब ये जो मॉडरेशन इफेक्ट है ना, ये इफेक्ट है सिर्फ लो कॉन्फिडेंस वालों के लिए। जो हाई कॉन्फिडेंस वाले हैं वहां पे इसका कोई फर्क नहीं है, वहां ये रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता है। कौन सा रिलेशन, कि नंबर ऑफ आवर्स जितने बढ़ेंगे उतनी सेल्स बढ़ेगी। जो लो कॉन्फिडेंट है, जिनका कॉन्फिडेंस कम है, वो बहुत ज़्यादा इनपुट्स दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा आवर्स लगा रहे हैं, और वहाँ रिजल्ट आ रहा है, लेकिन बाकियों में ऐसा कुछ नहीं मिला, बाकियों में ये रिलेशन नहीं पाया गया। तो अब देख रहे हैं, सिर्फ अगर मैंने कैटेगोरिकल किया तो इसने एज गुड एज स्प्लिट फाइल करके इसको रन कर दिया। अब यही चीज मुझे देखनी है थोड़ा सा आगे चलते हुए। ये हमारा है बेसिकली मॉडल नंबर 1, तो इसी का एक चेंज कर देते हैं। नंबर ऑफ आवर्स से सेल्स नहीं होती, एक्चुअली इससे हमारी एबिलिटी बढ़ जाती है, जो एबिलिटी फॉर प्रेजेंटेशन एक्सेट्रा, और उससे सेल्स होती है। यानी ये है बेसिक रिलेशनशिप,
और इस रिलेशनशिप को हम चेक करना चाह रहे हैं, क्या ये तीनों के तीनों हमारे मॉडरेटेड होते हैं बाय कॉन्फिडेंस। अब देखिए ये जो चीज बन गई कॉन्फिडेंस, अब ये मेरा बन गया है मॉडल नंबर 59। मॉडल 59 हो गया है ये। ये एक मीडिएशन मॉडल है जिसमें तीनों ब्रांचेस, तीनों एरोज हमारे मॉडरेटेड हो रहे हैं सेम मॉडरेशन से। तो पहले तो ये चेक करें, ये मॉडल 59 है। और अब हम अपने काम करके देखते हैं मॉडल 59 पे, और तरीका हमारा सेम रहेगा। एबिलिटी मॉडरेटर है, मॉडल को मैं कर देता हूँ 59 यहाँ पे, 59 कॉन्फिडेंस डाल रखा है, ऑप्शंस में अप टू 2 डेसिमल प्लेस है, कंटिन्यू और ओके। अब ये थोड़ा सा और टाइम लेगा क्योंकि ये स्प्लिट फाइल करके तीन बार तीनों केसेस के मॉडरेशन मीडिएशन रन करेगा तीनों के अंदर। देखते हैं क्या रिजल्ट आते हैं हमारे। सो हियर आर द रिजल्ट्स। कोडिंग कर दी है इसने, कोडिंग करके यहाँ चेक किया कॉन्स्टेंट आएगा, आवर्स का इफेक्ट है, W1 का नहीं है इफेक्ट जो इसने कैटेगरी बनाई मॉडरेटर है जो, और इंटरेक्शन का एक का नहीं है, एक का इफेक्ट है। और डिटेल में देखते हैं, वन पे कंडीशनल इफेक्ट हमारा है, टू पे नहीं है, थ्री पे नहीं है। ओके, आउटकम वेरिएबल यहाँ चेक करें, ये तो इसने फर्स्ट के लिए रन किया एबिलिटी के लिए। ये पहले कैसे काम करता है, दो स्टेप्स में काम करेगा। पहला तो ये करेगा एबिलिटी डिपेंड्स ऑन हॉर्स पावर, और दूसरे में करेगा सेल्स डिपेंड्स ऑन बोथ ऑफ देम, स्टेज वन स्टेज टू। तो यहाँ पे इसी का पता लग रहा है कि नंबर ऑफ आवर्स से जो एबिलिटी बढ़ती है सबके अंदर नहीं बढ़ती, सिर्फ लो वालों में बढ़ती है, बाकी में नहीं बढ़ती। व्हाट अबाउट द सेल्स, सेल्स में भी चेक करें, यहाँ पे मॉडरेशन इफेक्ट XW नहीं है, ये नहीं है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये चेक करते हैं। सबसे पहले इनडायरेक्ट इफेक्ट चेक करें, इनडायरेक्ट जो वन है वहां पर है, इसका मतलब मीडिएशन है, यहाँ टू में भी है, थ्री में कोई नहीं है। हाई एबिलिटी में तो ये ऐसा कोई इनडायरेक्ट इफेक्ट मिला ही नहीं। किसका इनडायरेक्ट इफेक्ट, जो हाई कॉन्फिडेंस वाले थे उनमें ये आवर से एबिलिटी के थ्रू ऐसा कोई इफेक्ट नहीं मिला हमारा, हाई कॉन्फिडेंस के लिए नहीं मिला। लो कॉन्फिडेंस है उसमें इनडायरेक्ट इफेक्ट था, जो मीडियम कॉन्फिडेंस है, एवरेज कॉन्फिडेंस है, उनमें भी इफेक्ट था। नेक्स्ट वन डायरेक्ट को चेक करें, डायरेक्ट हमारा वन में अभी भी है इफेक्ट, सिग्निफिकेंट इफेक्ट है, और जो टू है उसमें नहीं है इफेक्ट। तो क्या मतलब निकला हमारा, मतलब ये निकला कि हमारा जो लो मीडियम और हाई कॉन्फिडेंस था, लो के अंदर हमारा है पार्शियल कोरिलेशन, मीडियम के अंदर हमारा है फुल, और आवर्स के अंदर हमारा है नो मीडिएशन। तो ये पॉइंट आपको समझ आया, यहां पर हमारा है पार्शियल मीडिएशन। पार्शियल कैसे, सबसे पहले इनडायरेक्ट चेक करें, वन के लिए इनडायरेक्ट इफेक्ट है यहां पे, और फिर डायरेक्ट चेक करें, डायरेक्ट भी है, या तो पी वैल्यू। अब इनडायरेक्ट में तो पी वैल्यू गिवन नहीं है, तो यहां आप लोअर और अपर कंट्रोल लिमिट चेक करें, अगर दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, इसका मतलब आपका इफेक्ट जीरो नहीं है। यहां पर भी वही आया, पी भी गिवन है। तो वन के अंदर हमारा हो गया है पार्शियल मीडिएशन, इनडायरेक्ट भी है, डायरेक्ट भी है। टू के अंदर हमारा सिर्फ इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट नहीं है, यानी जो मीडियम कॉन्फिडेंस के लोग हैं उनमें एक्चुअली नंबर ऑफ आवर्स से एबिलिटी बढ़ती है और एबिलिटी से सेल्स होती है, आवर्स से सेल्स नहीं होता है। और जो हायर के थे वहां पे हमारा नो इनडायरेक्ट इफेक्ट है और यहाँ पे नो डायरेक्ट इफेक्ट है, उनमें तो इसका कोई रिलेशन ही नहीं मिला आवर्स से सेल्स का, ना डायरेक्ट है ना इनडायरेक्ट है। तो इस केस में हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास अगर कैटेगोरिकल मॉडरेटर हो जैसे W है, तो यहाँ पे आपको उसको कर देना है। अगर आप एक और अगर कोई कॉम्प्लेक्स काम करना चाहें, जेड को भी यूज करें, तो उस केस में आपने बस इसको भी कर देना। आप इंटरप्रिटेशन का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कैसे उसको लिखेंगे। तो बेसिकली ये दो टेबल ही आपको देनी चाहिए मॉडरेटेड मीडिएशन के अंदर। ये कंसेप्ट मॉडरेटेड मीडिएशन का कंसेप्ट कहलाता है। सो दिस वॉज अबाउट द मॉडल 59 विद द कैटेगोरिकल मॉडरेटर। लेट्स स्टॉप हियर, थैंक यू।